बंद करो, अपने वापस लो, वापस लो, वापस लो, अपने फर्जी मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, साथी सरकार गुर्जर पर आज रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार का पुतला फूंकते हुए कहा कि आज सरकार के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ हो रहे हैं फर्जी मुकदमे दर्ज। उन्होंने कहा सरकार ने विपक्षी पार्टियों की स्वतंत्रता खत्म कर दी है। शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रानीखेत रोड पर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस नगर अध्यक्ष और नगर पालिका सभासद भुवन शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि देहरादून में सरकार की जन विरोधी नीति का कांग्रेस की ओर से विरोध किए जाने पर देहरादून प्रशासन की ओर से सरकार के इशारे पर देहरादून कांग्रेस अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं पर जो फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई के साथ ही भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसके खिलाफ जो भी सड़कों पर जाकर आवाज उठा रहा है तो सरकार उसका दमन उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कर जेल भेजने की धमकी दे रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है और जनता को डराने और धमकाने पर तुली हुई है, लेकिन कांग्रेस सरकार के दबाव में किसी कीमत पर नहीं आएगी। अगर जरूरत पड़ी तो कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। देखिए, देहरादून में परवादून के हमारे अध्यक्ष श्री मोहित उनियाल जी पे मुकदमे लगाए गए हैं। देश में और राज्य में इतना भय का माहौल है कि लोगों की और विपक्षी पार्टियों की स्वतंत्रता भी इन्होंने ख़त्म कर दी है। जो आज कोई भी आवाज़ उठाने को मजबूर है किसी भी कार्य के प्रति, चाहे वो महंगाई है, बेरोजगारी है या अतिक्रमण का मुद्दा है, उसको ये लोग जो है उस पर मुकदमे लगा के उनको डरा रहे हैं और जेल के अंदर डालने के लिए कह रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। इसके लिए हम भाजपा सरकार की घोर निंदा करते हैं और हम इनको बताना चाहते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी इसमें दबने वाली नहीं है। अगर किसी भी प्रकार से कोई भी गलत कार्य या किसी को भी नाजायज दबाया जाएगा तो हम सड़कों पर आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे और हम देहरादून का भी घेराव कर सकते हैं आने वाले समय में।